हमारे साथ ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे कि ठंड के मौसम में ज़्यादातर अगर हम बात करें तो मिथिलांचल और खासकर दरभंगा में है किस तरह की समस्या लेकर के मरीज यहाँ आ रहे हैं और उनसे प्रिकॉशन उससे बचने की क्या उपाय हो सकते हैं। सर, मिथिलांचल में अगर हम बात करें तो ऑर्थो को लेकर के किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर अभी आ रहे हैं रोजाना? अभी औरतों में चूंकि ठंड बढ़ गया है तो रात में शाम में बहुत जल्दी धुंध हो जाता है, तो मेनली जो पेशेंट है वो आरटीए के बढ़ गए हैं। और आरटीए के पेशेंट चूंकि फॉग हो गया है तो आरटीए हम लोग शाम के टाइम से ही 6 बजे से फॉग लगना स्टार्ट हो जाता है। आरटीए के केसेस बढ़ ही गए हैं। अभी आप देख रहे हैं जहाँ तक कि है सरकारी अस्पताल में सारे बेड फुल है हर एक जगह, चाहे वो दरभंगा का अस्पताल हो या मधुबनी का अस्पताल हो, आरटीए के केसेस की अचानक से वृद्धि हो गई कुछ 4 से 5 दिनों में। बिहार में जो स्वास्थ्य समिति के द्वारा एक बैठक की गई थी उसमें मधुबनी जिले के सदर अस्पताल को टॉप माना गया था ऑर्थो को लेकर के, और वहां पे इनका जिक्र सबसे पहले आया था। और एक टीम वर्क था, टीम वर्क के कारण हम लोग को फर्स्ट प्राइज मिला। मेजर सर्जरी अभी तक के इतिहास में पूरे बिहार में इतनी मेजर सर्जरी 3 महीने में जितनी सदर अस्पताल मधुबनी में हुई है आज तक नहीं हुई थी। तो मतलब पहले फॉग के कारण ऑर्थो के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं एक्सीडेंटल के कारण। अब देखेंगे तो ठंड के मौसम में सर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं ऑर्थो को लेकर के जो ज़्यादा प्रभावित हो रही है, लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है मिथिलांचल के क्षेत्रों में? मिथिलांचल में देखिए हम लोग का यहाँ पे बहुत रूरल बैकग्राउंड है, तो हम लोग मेनली पॉपुलेशन यहाँ पे गांव के लोग हम लोग रहते हैं, तो बहुत आदमी बोलता है हिंदी में मैथिली में हमारा जारा लग रहा है, मतलब इट इज़ अ बॉडी एक। तो हो सकता है कि आप में कोविड के तो लक्षण नहीं है, और जो बदन दर्द है उसमें कुछ घबराने की बात नहीं, सीजनल है, ठीक है, अब सही हो जाएगा टाइम के साथ। और दवाई इसके लिए आप अपने नियर बाय जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है या फिर जो भी फिजिशियन है उनको विजिट करें और अपना सही ट्रीटमेंट लें। पहले की अपेक्षा मिथिलांचल में अगर हम बात करें तो ज्वाइंट पेन वगैरह इस सब की जो मामले थे ठंड के कारण या फिर पहले, मतलब कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि तो ज्वाइंट पेन में अब ठंड के कारण बहुत वृद्धि हुई है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी पेशेंट्स आते हैं हम लोग को, जैसे कि ठंड में ओपीडी ज्वाइंट पेन की थोड़ी बढ़ गई है यहाँ पे, जैसे कि प्राइवेट में भी हम लोग अपना देखते हैं प्राइवेट क्लिनिक में भी, तो पहले जैसे पेशेंट अराउंड 20-30% इंक्रीज़ हुआ है पेशेंट का ज्वाइंट पेन में, और एक्सीडेंटल ट्रॉमा का भी अच्छा हम लोगों को इंक्रीज़ हुआ है अभी पेशेंट्स का। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रत्युष प्रयाग थे और इन्होंने ऑर्थो के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य किया, जिसको लेकर के इनके पूरे टीम को राज्य सरकार ने सम्मानित भी किया है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।